ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर ओडी ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो हमने लीनियर ओडी तो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि आपका लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और उसका एक हमने जनरल स्ट्रक्चर भी देखा था। जैसे अगर जनरल स्ट्रक्चर इसका लिखना चाहें तो कुछ ANX लिख सकते हैं। हम हायर ऑर्डर की बात करें, सपोज हम यहाँ पे हायर ऑर्डर में कुछ nth ऑर्डर ले सकते हैं, तो ये आपका इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस An-1x dn माइनस, इस टाइप से हम जनरल लिख सकते हैं, प्लस समथिंग ए नोट y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये आपकी एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे डिपेंडेंट है जो y है और इंडिपेंडेंट x है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स हैं सबकी डिग्री यहाँ पे 1 आ रही है, और कहीं पे भी डिपेंडेंट का उसके डेरिवेटिव्स के साथ में प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी लीनियर ओडी हो गई। अब यहाँ पे हम बात करें विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है कि आपके यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे समथिंग लिख रखा है, ये आपके अगर कांस्टेंट हो जाए तो हम इस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल देंगे लीनियर ओडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका समथिंग फॉर्मेट, आप ये जो एक्स है इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं, सपोज एन dny अपॉन में dxn प्लस, अब यहाँ पे जो an an-1 जो है वो एज इट कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, फंक्शन नहीं, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, a1 dy by dx प्लस a नोट y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x। तो ये है, ये आपका लीनियर ओडी है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स, राइट। तो ये तो हमारा एक जनरल फॉर्मेट हो गया कि हम किसी भी लीनियर ओडी को विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट जो है उसको कैसे लिखेंगे। इसको और सिंपलर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो किस टाइप से लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है उसको कुछ कैपिटल डी आप डिनोट कर सकते हैं, डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर है इसको कैपिटल डी स्क्वेयर डिनोट कर सकते हैं। इस टाइप से हम चलते जाएं तो ये जो है इसको कैपिटल डी एन डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अगर इस नोटेशन को आप यूज करें तो आपका ये जो इसको अगर मैं स्टार नाम दूं तो जो स्टार है वो आपका कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ए एन डी एन प्लस An-1 Dn-1 प्लस A1d प्लस ए नोट वाई इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये एक शॉर्ट सा फॉर्मेट हो गया लीनियर ओडी ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन की बात करने से पहले एक चीज और हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर ये जो फंक्शन है आपका, ठीक है, तो अगर ये एफ एक्स आपका 0 हो जाता है तो आपको जो ये गिवन लीनियर ओडी है ये आपकी होमोजीनियस हो जाएगी, होमोजीनियस, ठीक है। और अगर ये जो आपका एफ एक्स है ये नॉन जीरो होगा तब आपका ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो अगर एक इन जनरल हम इसको मैं कुछ 1 नाम दे रही हूँ, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर ओडी है ऑफ nth ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ठीक है। इसकी अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होगा वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, जहां पे वाई सी आपका क्या होता है, वाई सी आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और वाई पी जो होता है वो आपका होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है, जहां पे वाई सी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है
और वाई पी जो होता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ओके अब अगर आपका जो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है मतलब होमोजीनियस अगर आपको लीनियर ओडी दे रखी है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ वाई इक्वल टू वाई सी हो जाएगा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अगर नॉन होमोजीनियस है तब वाई सी प्लस वाई पी हो जाएगा। ठीक है तो अब इन दोनों का हम अलग अलग केस में देखते हैं कि कब किसका कैसे सॉल्यूशन निकालना है, वाई सी कैसे निकालेंगे और वाई पी कैसे निकालेंगे। ठीक है ओके सो सबसे पहले हम होमोजीनियस का देखते हैं। तो उसके लिए सपोज सबसे पहले केस वन हम ले लेते हैं होमोजीनियस मीन्स एफ एक्स आपका जीरो होगा। तो इसका एक फॉर्मेट हमने जो लिया था ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन प्लस ए वन डी प्लस ए नोट वाई इक्वल टू जीरो, ये आपकी लीनियर ओडी हो जाएगी विद द कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स और होमोजीनियस है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल सकते हो या फिर इसका एक हम इक्वेशन लिखेंगे रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो डी है इसको समथिंग आप लैम्डा मान सकते हो, कुछ टी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो जिसमें हमें लैम्डा की रूट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, इसको सपोज डी को मैंने लैम्डा पुट कर दिया। ठीक है तो आपकी ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ए एन लैम्डा एन प्लस ए एन माइनस लैम्डा एन माइनस वन प्लस, इसको आप किसी भी उससे डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स और वाई तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एज ए वेरिएबल काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो ये इस टू जो आपको लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट दी हुई है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई। ठीक है अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आ गई है इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके तो सपोज इसके जो रूट्स हैं वो कुछ आपके, अब यहाँ पे ये nth ऑर्डर की इक्वेशन है तो यहाँ पे आपको एटमोस्ट n रूट्स मिलेंगे। तो सपोज मैं इसको लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा n ये नाम दे दिया है कि इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जो रूट्स आए वो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री अप टू लेमडा वन आपके पास में रूट्स आ गए। अब जो इसका सोल्यूशन जो होगा वो अब आपका बेस्ड होगा किस पे, कि आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, मीन्स आपके रियल आ रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं या फिर रियल और सेम आ रहे हैं या प्योरली इमेजिनरी आ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है तो वो हम अलग अलग एनालाइज करते हैं कि किस केस में आपका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जब जो रूट्स हैं वो रियल हों। ठीक है रूट्स आर रियल तो रूट रूट्स आर रियल मीन्स लेमडा वन लेमडा टू अप टू लेमडा एन जो है वो आपके सारे रियल है। तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन हो जाता है वो आपका हो जाता है वाई सी वन ई वन ई टू द पावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर लेमडा टू एक्स प्लस सी एन ई टू द पावर लेमडा एन एक्स। ठीक है और इसका जो मोटिवेशन आता है वो कहाँ से आता है कि जैसे आपके पास में एक कुछ छोटा सा एक सिंपल सा फर्स्ट डिग्री का ही मानते हैं। ओके सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है डीवाई बाई डी एक्स प्लस कुछ ए वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप देख सकते हैं इसको सेपरेट करेंगे तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स इस टाइप से हो जाएगा ये। तो यहां से आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग वाई, ओके और ये आपका माइनस ए एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो इसको आप लॉग में ही दे सकते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा वाई, इस सी को अगर ये दूसरी साइड ले जाएंगे तो लॉग वाई माइनस लॉग सी, तो इसको हम वाई माइनस सी इक्वल टू
ई टू द पावर माइनस ए एक्स, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ से वाई आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ई टू द पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ये तो था एक जनरल आपका, एक सिंगल वन डिग्री में था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लेमडा एंड रूट्स हो रहे हैं, तो आपके पास में ये जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी इसको आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग लेमडा एन आपके इसके रूट्स हैं, तो इसको हम इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, लेमडा माइनस लेमडा वन, सॉरी डी माइनस लेमडा वन, डी माइनस लेमडा टू, डॉट डॉट डी माइनस लेमडा एन इक्वल टू 0, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसका हमने रूट देखा, अगर एक डिग्री में था तो आपका कुछ ई टू द पावर माइनस लेमडा वन एक्स आ रहा है। ठीक है, इसका कुछ लेमडा टू माइनस इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो आपके ये अलग अलग रूट्स आएंगे। तो एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन सोल्यूशंस हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक सोल्यूशन होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपका किस टाइप से हो जाएगा, सी वन इंटू ई टू द पावर लेमडा वन एक्स, क्योंकि मैं वाई वन यहाँ पे ई टू द पावर लेमडा वन एक्स इस टाइप से मान रही हूँ, सी टू ई टू द पावर लेमडा टू एक्स इस टाइप से। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट आता है वह यहाँ से आता है। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि जब आपका रूट जो है वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट, तब आपका जो सोल्यूशन हो रहा है इस गिवन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो आपका क्या हो रहा है, y इक्वल टू सी वन इंटू ई टू द पावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर लेमडा टू एक्स प्लस डॉट डॉट सी एन ई टू द पावर लेमडा एन एक्स, जहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू अप टू लेमडा एन जो है वो आपके रूट्स हो रहे हैं कोरस्पोंडिंग द इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड आता है कि आपके रूट्स रियल तो हैं बट आपके सेम हो, रूट्स आर रियल बट सेम, तो सेम होंगे तो सपोज आपके पास में लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, तीन रूट्स आपके सेम हैं, तो इनको कुछ मैं लैम्डा मान लेती हूँ और बाकी के आपके डिस्टिंक्ट है, सपोज लैम्डा फोर अप टू लैम्डा एन। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, अब ये तीन तो रिपीटेड है तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वेयर इन टू ई टू दी पावर लेमडा एक्स, ओके, प्लस बाकी सारे आपके डिस्टिंक्ट हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे रूट डिस्टिंक्ट वाले का देखा था उसी टाइप से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी थ्री यूज हो चुका है, तो सी फोर ई टू दी पावर लेमडा फोर एक्स प्लस सी फाइव ई टू दी पावर लेमडा फाइव एक्स प्लस डॉट डॉट सी एन ई टू दी पावर लेमडा एन एक्स। ठीक है, तो आपको जहां पे रिपीटेड हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ एक कॉन्स्टेंट लगा रहे थे, जैसे ये एक बार रिपीट होगा रूट आपका, दो बार रिपीट हो जाएगा, तो क्या करेंगे, सी वन प्लस जो सेकेंड कॉन्स्टेंट आएगा, जैसे यहाँ पे लेमडा टू था इसके साथ में सी टू आ रहा था, बट यहाँ पे क्योंकि आपका रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे सी टू कॉन्स्टेंट आएगा, इसके साथ में एक एक्स और आ जाएगा, फिर अगर इसने अगेन रिपीट किया तो कॉन्स्टेंट के साथ में एक्स की पावर टू आ जाएगी, अगर एक और बार रिपीट किया तो सी कॉन्स्टेंट और इंटू एक्स की पावर में थ्री आ जाएगी। मीन्स जितनी बार आपके रिपीट कर रहा है उसकी एक कम पावर आपकी जो है एक्स जो है मल्टीप्लाई होती जाएगी ऐसे ही। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स की पावर वन में, एक्स की पावर टू में, एक और बार रिपीट होता तो एक्स की पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर देते कोरस्पॉन्डिंग टू सिर्फ दिस लैम्डा, बाकी के आपके सारे डिस्टिंक्ट हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका जो आपका हो जाएगा सोल्यूशन वो सेम एज टू डिस्टिंक्ट वाले के हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो थे आपके कि जब आपके रूट्स हैं वो रियल हो रहे हैं, अब अगर आपके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में सपोज आपके पास में हम लोग रूट्स मान रहे हैं, रूट्स आपके इमेजिनरी हो रहे हैं, तो इनको हम कुछ लेमडा वन और लेमडा टू, ठीक है, लेमडा वन लेमडा टू, या फिर पहले कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद फिर उसी में इमेजिनरी का करेंगे। तो अब आपके पास में कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट आपके समथिंग अल्फा प्लस
आयोटा बीटा इस टाइप का होता है, और एक कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसका कॉन्जुगेट भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास में दो रूट ये हो गए, और नेक्स्ट आपका लेमडा थ्री लेमडा फोर सपोज आपके रियल हो गए हैं, ओके। लेमडा थ्री लेम ये एन माइनस टू हो जाएगा, ओके। तो अब इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई। अब ये जो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका जो रियल पार्ट है मीन्स अल्फा, इसको ई टू दी पावर करिए ब्रैकेट, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको किसके साथ ले लीजिए, कोस और साइन के साथ में, मीन्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, और प्लस में अब ये तो सारे आपके पास में रियल हैं, तो जस्ट अकॉर्डिंग आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं उस वाला आप फॉर्मूला लगा देंगे, अगर सेम आ रहे हैं तो उस वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि डिस्टिंक्ट है, सो आपका इस टाइप से आ जाएगा कुछ सी थ्री प्लस सी फोर लेमडा फोर एक्स, इस टाइप से आपका लास्ट में जो भी आपका आ जाएगा इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए जब आपके पास में कॉम्प्लेक्स है। अब अगर इसी में प्योरली इमेजिनरी आ जाए, प्योरली इमेजिनरी, तो इसी में देखिए आपका प्योरली जो इमेजिनरी होगा उसमें क्या होगा, ये अल्फा जो मतलब रियल पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला जो चीज है वो आपका वन हो जाएगा, मीन्स ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो प्योरली इमेजिनरी सपोज आपके पास में अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ रहे हैं, तो इसका आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट वन हो जाएगा, तो सी वन कोस एक्स सॉरी कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ओके। और नेक्स्ट आपका जो भी सोल्यूशन आ रहे हैं जिस भी हिसाब से उस टाइप से आप कर सकते हैं, तो मेनली आपका इमेजिनरी आएगा, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स वाला जो है पार्ट वो वन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास में इमेजिनरी भी हो मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो बट रिपीटेड हो, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सपोज रिपीटेड है मंथ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये आपका टू बार रिपीट हो रहा है और बाकी इसी टाइप से हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा, जो सिमिलरली हमने जैसे रियल वाले में लगाया था रिपीटेड वाले में, वही केस आपको लेना है। तो यहाँ पे ई टू द पावर अल्फा एक्स तो आ ही जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ई टू द पावर अल्फा एक्स। अब ये जो कोस बीटा एक्स के साथ में जो कॉन्स्टेंट आ रहा है, अब यहाँ पे हम लोग एक्स के जो पावर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम रियल में कर रहे थे, रियल रूट्स में कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो सी वन प्लस सी टू एक्स, ओके, और कोस बीटा एक्स। सिमिलरली साइन के साथ में कर देंगे सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स, ओके। और नेक्स्ट में जो भी आपके जिस हिसाब से रूट्स हैं आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो मेनली आपको जब रिपीट होता है तो अब हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं इनमें कितनी बार हमारा रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग x से फिर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहे थे तो मैंने c1 प्लस c2 x, अगर ये तीन बार रिपीट होता तो इसमें एक और कोफिशियंट आ जाता c3 x टू द पावर 2, एक और बार रिपीट होते तो x की पावर 3 तक चला जाता, ठीक है। तो इस टाइप से जितनी बार भी बार आपके रिपीट हो रहेंगे उस हिसाब से आप इसका कर सकते हैं, ओके। अब एक केस और बचता है, हमने यहाँ पे रियल देख लिए कॉम्प्लेक्स देख लिए, अब आपके पास में कुछ इस टाइप के आ जाते हैं, मीन्स जो रूट्स हैं आपके अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, क्योंकि हमारे पास रूट तो इस टाइप के भी आ सकते हैं ना। अब ये आपका ना तो रियल है ना तो कॉम्प्लेक्स है, मीन्स रियल रूट्स हैं बट यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स सी वन, अब यहाँ पे जो कोस आ रहा था इसकी जगह हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा आपका, ठीक है, सी वन कोस हाइपरबोलिक एक्स अंडर रूट बीटा प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अंडर रूट बीटा, और प्लस में जो जिस भी टाइप के आपके आ रहे हैं रूट्स, ठीक है। तो इस केस में आपका इस टाइप से सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसमें फिर से रिपीट कर रहा है इसमें भी, तो सपोज आपके पास में एक और बार रिपीट कर रहा है, तो जो जैसे सेम हमने भी कॉम्प्लेक्स में करा था उसी हिसाब से आपको c1 प्लस c2x टू एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स अंडर रूट बीटा प्लस सी टू सॉरी सी थ्री प्लस सी फोर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अंडर रूट बीटा इस टाइप से लिख देना है। एक और बार रिपीट करेंगे तो एक और एक्स की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम कंसेप्ट एज हमने रियल में और कॉम्प्लेक्स में देखा है, ठीक है।
तो ये थे रूट पे बेस्ड आपके लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के सॉल्यूशन। जैसे जैसे आपको रूट मिलेंगे उसके हिसाब से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। सो एग्जाम्पल सबसे पहले लिखिए d3y अपॉन में dx³ प्लस 6 d2y अपॉन में dx² प्लस 11 d2y अपॉन में, सॉरी d2y नहीं है dy है, इक्वल टू प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लीनियर ओडी है और विथ कांस्टेंट कोफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशियंट्स है आपके आ रहे हैं वो कांस्टेंट आ रहे हैं। तो अब हम इसमें ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो वो कैसे हम लिख लेते हैं, ये जो डी अपॉन डी एक्स क्यूब जो है इसको कुछ हम, सॉरी डी अपॉन डी एक्स जो है इसको कुछ लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। लेमडा मान लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ये लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा² प्लस 11 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपली इसको आपको सोल्व करना है और इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें लेमडा इक्वल टू -1, एक इसका रूट हो रहा है क्योंकि -1 प्लस 6 प्लस 11, सॉरी -11 प्लस 6 ये आपको 0 देगा। तो लेमडा इक्वल टू -1 एक इसका रूट हो जाएगा, और फिर आपको दो रूट और फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लेना कि क्या यही रूट हो रहे हैं केस के, ठीक है। तो इसके दो जो रूट और आएंगे वो -2 -3 आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके रियल रूट हैं और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा पहला वाला किस लग जाएगा, ओके। सो इसमें हम लोग इसका जो सॉल्यूशन होगा होगा c1 e to the power -λ₁। तो λ₁ आपका यहाँ पे -1 है, e to the power -x। c2 e to the power -2x प्लस c3 e to the power -3x, ठीक है। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको इक्वेशन लिखना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और रूट्स फाइंड आउट करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, देखना है कि आपको किस टाइप के रूट्स मिल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन निकालना है, ओके। ओके, एक और देख लीजिए एग्जांपल, d^4 + d²+1 into y = 0। अब आपको ये फॉर्मेट भी दे सकता है, ये वाला फॉर्मेट भी मिल सकता है, सो आपको दोनों से अवेयर रहना है। तो अब इसकी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, λ^4 + λ²+1 = 0। यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपको मिलेगा वो आपको λ = 1 ± √3i/2। इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से कि इसका ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं, इतना जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। टू ये अब आपके पास में जो है रूट्स आ गए, तो 4 रूट आ गए और आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं तो हम अपना कॉम्प्लेक्स वाला जो सॉल्यूशन है वो लगाएंगे। तो y = सबसे पहले इस वाले के कोरस्पोंडिंग देखते हैं, e^α यहाँ पे क्या है आपका 1/2, e^2½x यहाँ पे रिपीट कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपका c1 cos β क्या है, +√√3/2। तो cos√√3/2 प्लस c2 sin√√3/2, सॉरी x भी आएगा इनके साथ में, ओके। अब इसके कोरस्पोंडिंग आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो -½ है, तो e^-½x c3 cos√√3/2x प्लस में c4 sin√√3/2x, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्यूशन इसका लिख लेना है, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना है। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका y = x^e^-3x cos 2x +
ए टू द पावर माइनस 3x साइन 2x कैन बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके ऑप्शंस हैं डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 13 वाई इक्वल टू जीरो। ऑप्शन सेकेंड है आपका डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 वाई इक्वल टू जीरो। थर्ड ऑप्शन है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 का स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। फोर्थ ऑप्शन है डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 वाई इक्वल टू जीरो। तो आपको एक वाई दे दिया है और पूछ रहा है कि इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है इनमें किसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ओके सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको y दे दिया है और पूछ रहा है कि इस जो नीचे दी गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसमें किसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम y को एग्जामिन करते हैं कि है किस टाइप का। तो y आपको दिया हुआ है x e टू द पावर माइनस 3x। यहाँ पे लिखने की बजाय मैं हम ये देख सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर माइनस 3x जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ इन टू एक्स कोस 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, ओके इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ। कोस 2x के साथ में एक कोफिशियंट x आ रहा है आपके पास में, तो मैं इसको 0 प्लस x इस टाइप से लिख सकती हूँ। कोस 2x प्लस 1 प्लस 0 इंटू एक्स साइन 2x लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि हमारा अगर हम लोग कोस वाले में जाएं तो कोस वाला आपका आता है कॉम्प्लेक्स जब आपके पास में रूट आता है, और जब रिपीटेड आता है तब आपके यहाँ पे x की पावर्स मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की एक ही पावर आ रही है, मीन्स ये आपका कुछ c1 प्लस c2x इस टाइप का कुछ सॉल्यूशन रहा होगा। तो यहाँ पे कोस वाले केस में आपका जो c1 है वो 0 है और c2 1 है, और साइन वाले में इसको अगर c3 माने तो c3 1 है और c4 0 है। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मेट है। तो यहां से आप देख सकते हैं इसके जो रूट्स आपके इससे जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जो रूट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे e टू द पावर अल्फा एक्स। तो अल्फा यहाँ पे आपका माइनस 3 प्लस माइनस जो बीटा है वो आपका कितना है 2 है, तो माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। और अब यहाँ पे एक्स आ रहा है इसका मतलब ये एक बार आपका रूट रिपीट हो रहा है, तो आपका ये चीज ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ओके अब आप यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन सा जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है, मींस किसके ये रूट हो रहे हैं। एक तो आपका तरीका ये है, तो सबसे पहले यहाँ के रूट फाइंड आउट करिए क्या, तो चारों के, तो फर्स्ट वाले का करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 52, तो यहाँ पे तो आयोटा आएगा ही नहीं तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। इसका करेंगे तो यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 52। यहाँ पे आयोटा तो आएगा पर पहले वाला जो कॉम्पोनेंट है उसमें माइनस नहीं आएगा, पर हमारे यहाँ पे दोनों में माइनस है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन चला गया। फोर्थ में आपका रूट है माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 52 अपॉन में 2, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। एक और ऑप्शन हमारे पास बचा, इसका और चेक कर लेते हैं। तो यहां से भी आपका जो आएगा वो क्या आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 52 बाई 2, इसका भी ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले कौन जो कोफिशियंट है उसमें माइनस नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी आपका चला गया। मे भी यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें स्केयर हो, ठीक है, क्योंकि तभी हमारे जो है ये रूट रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये 4 डिग्री की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें से तीनों में से किसी के भी ये रूट्स नहीं हो रहे, पर हमारा अगर ये सॉल्यूशन आ रहा है तो उसके जो रूट्स हैं वो यही होने चाहिए, पर इन तीनों में किसी का वो रूट नहीं आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
इस क्वेश्चन में आपको लीस्ट ऑर्डर बताना है एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का, जिसका एक सॉल्यूशन आपका क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो वो कौन सी लीस्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होगा, हो जाना चाहिए। तो इसमें आपको लीस्ट ऑर्डर पूछ रहा है जिसका एक सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। तो एक्स स्क्वायर से ही आप देख सकते हैं जो भी आपका रूट हो रहा होगा वो 3 बार रिपीट हो रहा होगा, सबसे पहली बात। दूसरी, आपके पास में साइन आ गया, इसका मतलब आपके पास में कॉम्प्लेक्स रूट होगा। वो कॉम्प्लेक्स आपका प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम प्योरली इमेजिनरी तो एक स्पेशल केस है, तो हम इन जनरल कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा आप देख सकते हैं कि जो बीटा है वो आपका 1 है, क्योंकि साइन एक्स एक्स के साथ में 1 ही कोफिशियंट आ रहा है। तो आपका ये जो रूट हो जाएगा वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर आ रहा है एक कोफिशियंट, इसका मतलब आपका ये 3 बार रिपीट है, तो ये आपका अल्फा प्लस माइनस आयोटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो आपके पास में 6 रूट्स आ गए। तो 6 रूट आ रहे हैं मतलब वो जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो लीस्ट ऑर्डर है वो 6 होगा, ठीक है। क्योंकि 6 डिग्री से छोटी इक्वेशन के लिए तो किसी के लिए आपको 6 जो है रूट मिल नहीं सकते हैं। दो क्वेश्चन और ही कर लेते हैं, ट्राई करिए आप लोग भी। इसका जो सोल्यूशन है आपका वाई इक्वल टू, ओके, फाइव एक्स है तो हम फाइव एक्स से डिनोट कर लेते हैं। फाइव ऑफ एक्स आपका है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आपको दे दिया है। तो अब ऑप्शन फर्स्ट में पूछ रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो एक तो है आप इसका ग्राफिकली देख सकते हैं, दूसरा इसको चेक करिए कि क्या अगर इस टाइप से होल्ड हो रहा है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है ई की पावर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसका मतलब है आप दोनों तरफ ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई टू द पावर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ई टू द पावर ई एक्स, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको तो ई टू द पावर 2x माइनस 2 ई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाई ई एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन आपके पास में होल्ड हो जाएगी। इनफैक्ट इसको आप इफ एंड ओनली इफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट तो ट्रू हो गया आपका। बी कह रहा हैज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वल पुट करिए, वहां से आपको पॉइंट मिलेगा। अब उस पॉइंट को चेक करने के लिए मिनिमा है या मैक्सिमा, उस पॉइंट पे सपोज एक्स नॉट निकल के आया उस पे इसका सेकेंड डेरिवेटिव चेक करिए। अगर ये आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव आता है तब आपका होता है मिनिमा। हाँ, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, ठीक है। तो अभी आपसे आपको चेक कर लेना है। फिर सेकंड बोल रहा है कन्वेक्स, तो कन्वेक्स की जो ग्राफिकली अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो अगर आपके पास में सपोज कोई भी ग्राफ है इस टाइप से जो भी है, तो इसमें अगर आप किसी दो पॉइंट्स को, जैसे अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं इस ग्राफ में, इसको मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन से मिला पा रही हूँ, ठीक है, विदाउट इसके बाहर गए हुए, तब इस रीजन या इस ग्राफ को मैं कन्वेक्स बोल देती हूँ, इस फंक्शन में कन्वेक्स बोल देती हूँ, ठीक है। मीन्स अगर आपके पास में एक पॉइंट यहाँ पे है और जैसे मैंने इस टाइप से ले लिया इस टाइप से, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो और एक पॉइंट यहाँ पे हो, तो इस दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये जो लाइन है वो इस फंक्शंस के बाहर आ गई है, तो ये आपका कॉन्वेक्स नहीं होगा। अगर इसके बीच के इसके फंक्शन में दो किसी भी पॉइंट को आप मिलाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन से वो लाइन उसी में होनी चाहिए, तब उसको हम कन्वेक्स बोलते हैं। दूसरा, अगर आप थ्योरेटिकली जाएंगे तो उसमें आपका होता है अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए फॉर ऑल एक्स, तो आपका ये जो फंक्शन है वो आपका कॉन्वेक्स हो जाता है। ये आपका वैसे अगर थ्योरी से आप चेक करेंगे उस केस में हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना कि डबल डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। फाइव एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि आपको अगर इस टाइप से पॉइंट मिल जाए सच दैट
पॉइंट जैसे एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, बट जो इनकी वैल्यू है वो अपोजिट बिहेव करे, तब इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसा हो रहा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और ऐसा नहीं हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये आपका 0.2 पॉइंट होगा, ठीक है, इस टाइप का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि सम पोर्शन में इंक्रीजिंग होगा, सम पोर्शन में डिक्रीजिंग होगा, तो आपका ये जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है।